सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं टोपी पहना हूँ, दादाजी डेट कर गए थे। सो गाइज, मैं आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि मैं जो सैंडी है, सैंडी देख इधर, उसका जो पपी है, सैंडू का पपी 14 डेज का हो गया है और वो उसकी आइज ओपन हो गई है। सो मैं गाइज आप लोग को दिखाता हूँ उसकी आइज ओपन हो गई। ए रुको रे लड़की रुको, देखो गाइज इसकी आई ओपन हो गई है, इसीलिए मैं दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओए 14 डेज का ये पपी हो गया है गाइज, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा क्यूट है। उसको कुछ दिन बाद डिवॉर्मिंग भी होगा। ये मेल है गाइज, इसको भी मैं दिखा दूँ, इसका आईज ओपन हो गया है, दोनों का आई ओपन हो गया है गाइज, देख लो, देख सकते हो गाइज कितना ज़्यादा क्यूट पपी है। और ये वाला जो है, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बदमाश भी है, एग्रेसिव भी है। अभी से इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा, ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एकदम मतलब गुर्राता वगैरह है ये। और फिर चलने लगा है, मतलब अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा चलने उलने लगा है। और फिर इधर से उधर इसको मारते रहता है, जबकि ये बड़ा है तब पर भी ये इसको मारता है, और दूध भी ये पीता है, इसको हटा देता है, जबकि दो ही है तब पर भी लोग को मतलब फेट नहीं भरता है, जान जान के और बदमाशी करता है ये, इसको मारता है। देखो गाइज, ये पहले आया था और ये पहले हुआ था, तो गाइज देख सकते हो ये इतना ज़्यादा क्यूट है। 14 डेज का पप्पी है, अच्छा है, आप लोग देख सकते हो, दुबला पतला भी नहीं है, क्वालिटी आप लोग देख सकते हो। ये अपनी एकदम पापा पे गया है, मतलब कि इसका जो फादर था मतलब अच्छा क्वालिटी का था, जिससे सैंडी की मेटिंग हुई थी वो मतलब कि अच्छी क्वालिटी की थी। एक सैंडी पे भी गई है, कुछ कुछ सैंडी के हेल्थ पे गई है, ठीक है ना। और बच्चा तो गया है फादर पे। सिट डाउन सैंडी, ओए लड़की सिट डाउन, रुको रुको रुको, ये सब चीज़ गिराने के, इधर आओ, गुड गर्ल सिट डाउन, इधर आओ इधर आओ। इसको गुस्सा है, क्यों लाए हम इसके बेबी को, ये देखो। सो गाइस, 14 डेज का पपी हो चुका है। कमेंट करके बिल्कुल ना भूलना कमेंट करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पपी आपको कैसा लगा, मतलब इसका क्वालिटी कैसा लगा आपको, क्यूट लगा कि मतलब कि अच्छा नहीं लगा, जो भी है कमेंट करके बताना आप लोग कि ये कैसा लगा गाइस। ये दोनों पपी को छत पे लाया हूँ मैं, फर्स्ट टाइम छत पे लाया हूँ, हवा भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पपी जितना नेचुरल वे में रहेगा उतना सही रहेगा, ठीक ना। और फिर सैंडी हमेशा उसको अपने पास ही रखती है, जहाँ भी जाती है मैं गेट बंद कर देता हूँ, लेकिन हमेशा देखते रहेगी वो, मतलब कि कोई इसको ले भी रहा है। मेरे अलावा ये कम से कम किसी को छूने भी नहीं देती अपने पप्पी को, देख सकते हो कितना ज़्यादा क्यूट है, इसका फेस मैं दिखा दूँ। अरे भाई देखे, अरे देखो बेटू। सो गाइज, आप लोगों को अच्छा लगा होगा आई होप कि 14 डेज का अप्रॉक्स 15 डेज तक पपी के आंख नहीं खुलते हैं, किसी किसी के 16 डेज में भी खुलते हैं, किसी के 13 डेज में भी खुलते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो डिपेंड करता है मतलब कि डॉग ही पे, मतलब ऑटोमेटिक खुल जाता है, ये अप्रॉक्स टाइम में खुल ही जाता है। सो गाइज, ये हल्का सा छोटा है, हल्का सा छोटा है, देखो इसको जी निकाला हुआ है। सो गाइज, डॉग पसंद पड़ा होगा मेरा, सैंडी का क्यूट बेबी, तो प्लीज़ कॉमेंट करके बता देना, लॉकडाउन नाम है इस दोनों का, लॉकडाउन, कमेंट करके बता देना कि क्यूट है कि कैसा है, प्लीज़ बता देना। और सैंडी भी मस्ती में है, सैंडी मतलब उसकी वीडियो जल्दी लाऊंगा, और इसकी वीडियो जल्दी लाऊंगा कि इसको डिवॉर्मिंग मैं कैसे कर रहा हूँ, डिवॉर्मिंग की दवा कैसे दे रहा हूँ। सो आई होप गाइस की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद पड़े तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा हो तो बहुत आगे जाएंगे हम, 3K की फैमिली हो चुकी है और उसको 30 के कम से कम करना ही है, ठीक है गाइज, इसके तरफ से बाय कर दो, इसके तरफ से तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना गाइज, इसका रिक्वेस्ट है, लाइक करो लाइक करो जरूर लाइक करो। सो गाइज, बाय बाय, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बाय।